नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं मनीषा तिवारी। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मऊ में खाद्य आयोग के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने जनपद कोपागंज ब्लॉक के खालिसपुर गांव का भ्रमण किया। इसके साथ ही उन्होंने खाद्यान्न वितरण और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील का भी जायजा लिया, जो पूरी तरह से फेल नजर आया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई और खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया था। वहीं खाद्य आयोग के प्रदेश सदस्य दिनेश मिश्रा ने बताया कि हम लोगों ने आजमगढ़ मंडल के मऊ और बलिया जनपद का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने खाद्यान्न वितरण में तमाम खामियों को बताया, जिस पर कार्यवाही के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। बेसिक बात ये थी कि मऊ में एक राशन की दुकान खालिसपुर में देखी गई। दुकान में छोटी मोटी गड़बड़ियां मिली, जिसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी गड़बड़ियों पर। मार्केटिंग का एक गोदाम देखा गया, जहां छोटी मोटी गड़बड़ियां पाई गई, जिसको दूर कराने के लिए डिप्टी आरएमओ मऊ को कहा गया। विद्यालय देखा गया, प्राथमिक विद्यालय, वहां जो कमियां पाई गई उसके लिए बीएसए मऊ को कहा गया। शासन को इन सब त्रुटियों से अवगत कराया जाएगा और आयोग अपनी संस्तुति कार्यवाही के लिए भेजेगा। जो गड़बड़ थी वहां मिड डे मील के संबंध में मिली, जो मातृ समूह बनाया गया निगरानी के लिए, उसके सदस्यों से खाने का वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा, जिससे उसकी गुणवत्ता का पता लग सके। इसके अलावा बच्चों को वहाँ जूते नहीं पहने देखा गया। शिक्षा की गुणवत्ता तो ठीक मिली, एएनएम के खिलाफ कार्यवाही की गंभीर संस्तुति की गई, इसलिए उसे कुछ नहीं मारा था। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।